सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। अरे इट्स माय प्लेजर। ओके सो एक क्वेश्चन है कि स्कैम 1992, हेलारो एंड विट्ठल टेडी, इन सब के लिए ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। ओके अभी स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी आपके देवर थे, ठीक है, और अर्षद मेहता का किरदार किया। ये क्वेश्चन पहले रखा, इतना बड़ा स्कैम हुआ मैम, आपको कितने पैसे मिले? अच्छा वो स्कैम ही है तो अच्छा है। हाँ ये चीज मेरी कब से दिमाग में थी, सबसे पहले आपको ये चीज पूछू क्योंकि इतना बड़ा स्कैम था। मैंने कहा आपको 15-20-25 करोड़ तो शायद 500 करोड़ में से 25% तो मिल ही गए, 4 जन थे, हर्षद, उनकी वाइफ, अश्विन, उनकी वाइफ, तो 25-25 सबके हिस्से आ गए। हाँ आपका मतलब ये घरेलू हिस्सा था ना, मतलब मतलब ये घर की बात थी। हाँ सो सबसे पहले मैं आपकी ये छोटी सी एक जर्नी जानना चाहूंगा। आपने मतलब मैंने एक आपके आर्टिकल्स में मतलब इंटरव्यू में रीड किया था रिगार्डिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सो ये जो चीज आपको पहले से पता थी कि आपको ये मतलब फिल्म में ये स्ट्रीम में जाना है। नहीं, पहले से तो नहीं पता था, पर मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले मेरी एकेडमिक्स, मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस से, तो जब तक मास्टर्स किया तब तक भी नहीं पता था कि कभी मैं एक्टिंग फील्ड में आऊंगी या थिएटर करूंगी या ऐसा कुछ। पर इंक्लिनेशन हमेशा से था परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर, और हमेशा से स्टेज पसंद था, डांसिंग बहुत मतलब माय फर्स्ट हॉबी डांसिंग है। और बचपन क्या बात में मतलब जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे ऐसा भी एक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे लगान में काम करने का मौका मिला था, मतलब यस लगान में। यस हाँ, तो वो जो विलेजर्स थे वो उन्होंने भुज से सिलेक्ट किए थे, और जी अमंग्स देम आई वाज देयर। तो 6 महीने हम लोग लगान के सेट पे लगभग, मतलब क्राउड का सीन तो लगभग था ही, तो मतलब 6 में से ऐसे समझ लो कि 4 महीने हम लोग लगातार सेट पे थे। हर रोज सुबह उठ के आना जाना, शूटिंग कैसे होती है, कॉल्स कैसे लेते हैं, कॉस्ट्यूम क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, शॉट के टाइम साइलेंस कैसे मेंटेन करना होता है, ये सब कुछ मतलब और भी ये बचपन में देख लिया। छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टेक्निकलिटीज की बात करते हैं तो मतलब वहीं से मतलब आपके एक अंदर से एक वाइब्स आ गया था कि शायद यही रास्ता है, मतलब नहीं, तभी तो नहीं आई थी कोई वाइफ, पर मतलब तब से ओके ऐसे चस्का। वो बता ना, चस्का चस्का लग गया था अच्छा कि हाँ ये ये क्या होता नहीं बस है। हाँ क्या है, मतलब यू आर ईगर टू नो कि ये क्या है, ये मतलब ये पूरी चीज क्या है। हाँ बिल्कुल। तो ओके उसके बाद तो स्टडीज कंप्लीट तो किया, फिर लेक्चरशिप भी की आणंद में, और उसके बाद करते करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ब्रेक लेना है लाइफ में। अभी मतलब इतने साल से जो मेरा मन था कि स्टेज पे जाना है, स्टेज पे कुछ करना है, तो उस हिसाब से आई गॉट टू नो कि दर्पणा में एक थिएटर वर्कशॉप चल रही है, और मैंने वो थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करी, और वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप थी, तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन चलता फिरता बंबई था। इट वाज डायरेक्टेड बाय अभिनय बैंकर, तो वो मेरा पहला प्ले था। और उसके बाद मैंने अहमदाबाद में बहुत उसके सारे बाद थिएटर ग्रुप्स के साथ काम किया, अदिति मैम के साथ, अदिति देसाई के साथ काम किया, राजू बारोट, राजू सर हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही सीनियर हैं, उनके साथ काम किया, फिर चिंतन पंड्या के साथ काम किया। तो अहमदाबाद में काफी थिएटर ग्रुप्स के साथ काम किया मैंने,
और फिर एक बार थिएटर में जाने के बाद तो मतलब आइडिया तो था ही, क्योंकि लगान से ही आइडिया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके हाँ, कोई जगह है, क्योंकि उसमें बहुत और सारे एनएसडीएम उसका हैं। मैंने मैंने बहुत से लोगों से सुना है, मतलब पंकज त्रिपाठी है, मैं उनको कभी सुनता हूँ, अनुपम खेर को सुना है, इन लोगों के मतलब ये जो छोटी बहुत उनके किस्से सुने हैं रिगार्डिंग एनएसडी, जो बोलते हैं कि वो एक ऐसी जगह है कि आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, ठीक हाँ है। तो इन रिगार्डिंग योर लाइफ को एक ऐसा इंसिडेंट जो मैं बोल सकूँ, आप चाहे एनएसडी के बारे में भी बोल सकते हो या ऐसा कुछ जो आप मान लो कि आपके लिए गेम चेंजर है, ऐसा कोई इंसिडेंट। मतलब ऐसे तो एनएसडी की पूरी जर्नी ही बहुत ही लाइफ चेंजिंग रही मेरे लिए, क्योंकि पूरी बैच में 26 लोग होते हैं और 26 के 26 अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं के साथ आप 24/7 रहते हो। काम के लिए मतलब इंटरेक्शन होता है, एक्सरसाइजेस होती हैं, तो ये सब करते करते आप में बहुत बड़ा चेंज आता है ग्रेजुअली। ऐसे मतलब एनएसडी से पहले जो मैं थी वो एनएसडी के बाद बिल्कुल भी नहीं हूं मैं, तो वो ब्रेन के होराइजन मतलब एक्सपैंड कर देता है। मतलब वी कैन से कि आपने वो फिनिशिंग इंडस्ट्री ने लाया, वी कैन से कि सॉरी वो परफेक्ट फिनिशिंग एनएसडी में आया, हम बोल सकते हैं ये चीज। हाँ, परफेक्ट फिनिशिंग तो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि फिनिशिंग तो एक्सपीरियंस पे ओके आते ओके जाता है, पर हाँ ओके एक ओके जर्नी स्टार्ट हो गई परफेक्शन की ओर, जी लर्निंग की ओर, रिसर्च की ओर, एक जर्नी पे हम आ चुके, तो वो बात है। और पर्टिकुलर इंसिडेंट में तो मैं बताऊं तो एनएसडी में 3rd ईयर में एक्टर्स का सोलो परफॉर्मेंस होता है, तो उस परफॉर्मेंस में मैंने फ्रांस की एक स्कल्पचरिस्ट है कैमी क्लॉडल, उनकी लाइफ को परफॉर्म किया था, स्लाइस ऑफ लाइफ। तो उस परफॉर्मेंस के लिए मैंने स्कल्पटिंग सीखी थी, तो क्या बात स्कल्पटिंग के लिए मैंने पेंटिंग से लेके मोल्डिंग से लेके क्ले को कैसे मोल्ड करते हैं, फिर कैसे उसमें से पर्टिकुलर स्कल्पचर बनाते हैं, हालांकि वो तो स्टोन को काव करके और पहले क्ले को मोल्ड करके स्कल्पचर बनाती थी, फिर स्टोन को काव करके भी बनाती थी, फिर ब्रॉन्ज वगैरह में जैसे उनके रिक्वायरमेंट्स होती थी वैसे बनाती थी। पर मैंने तो क्योंकि मुझे सोलो परफॉर्मेंस के लिए ही जी टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जी तैयारी करनी थी, तो मैंने आउट ऑफ क्ले ही अपना पूरा स्कल्पिंग वर्क किया था। तो वो एक नई कला को सीखना और उसको मतलब वो चीज हस्तगत वो शायद करना, आपके एक वो आपके एक रील में भी आपने शायद अपलोड किया है, वो एक बॉक्स था राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो है मेरी प्रोफाइल में, हाँ, FB पे सो भी वो है और वही। इंस्टा पे भी है। यस हाँ यस 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 सो नाउ स्टार्ट विथ हेलारो, कितनी इंपॉर्टेंट मूवी है आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी इम्पोर्टेंट, जी, आपके लाइफ के लिए? अरे इट्स लाइफ चेंजिंग, क्योंकि हेलारो ने जो हमें दिया है वो शायद ही किसी मूवी से मिल सकता था, और वो भी आई मीन दिस अर्ली इन लाइफ, इतनी यंग एज में, मतलब मैं स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होते ही हेलारो में मुझे रोल मिला, वाह और मेरा बाप, हेलारो से ही नेशनल अवार्ड मिला। तो सो मैं एक वीडियो देखा, आपने शायद पता हो, आप भी वो उसमें थी, मतलब एक टीम का पार्ट थी जहां पर सारे लोग मतलब एक केबिन जैसा, मतलब उनका पूरा एक ऑफिस है जहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ और दे आर वेटिंग फॉर द नॉमिनेशन, ठीक है। और ऑन दैट टाइम मुझे थोड़ा एलन मस्क वाला फीलिंग आया, लाइक जो उनका वो थर्ड टाइम सक्सेस मिला था उनको, शायद आपने वो एलन मस्क का वो वीडियो देखा हो, ठीक है। हाँ एंड वो सिनेरियो थोड़ा थोड़ा नहीं, मेरे लिए बहुत सिमिलर था, क्योंकि तो पूरा अच्छा टीम ऐसा बैठा हुआ है एंड वेटिंग फॉर द नॉमिनेशन, वो पूरा चीज था। सो वो मोमेंट कैसा रहा? क्योंकि एक चीज है ना कि लाइक देखो मूवी हिट होती रहती है, हमें पता है, कोई उसको बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से देखता है, कोई उसको मतलब पॉपुलैरिटी से देखता है, बट नेशनल अवार्ड इज नॉट समथिंग, आपको तो बखूबी वो चीज पता है,
कि हर एक एक्टर का एक ड्रीम होता है, ठीक है, क्योंकि जी आपको नेशनल लेवल पर आपको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है, वो चीज। जी तो कभी उसके बाद जैसे अवार्ड मिला तो एक वो मोमेंट कैसा रहा? एंड सेकंड आई वांट टू ऐड दैट थिंग कि जब आपने अपने आप को एक मिरर में देखा कि वृंदा लाइक यू वन नेशनल अवार्ड, सर सेड दैट मोमेंट एक्चुअली प्लीज, आई आई वांट लाइक ऑनेस्ट आंसर, नॉट डिप्लोमेटिक, जो भी था मतलब। हाँ, मतलब क्या होता है भार्गव, कि ऐसी मोमेंट्स ना, ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स होती है, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन, अगर आपके साथ होगा तो आपके साथ भी वही होगा कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कैसे बताऊं कि अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम मिरर में, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट टाइम मिरर कभी देखा तो वो भी याद नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों तक तो हम लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि टीम इतनी बड़ी है, और जो अमाउंट ऑफ हार्डवर्क उसके पीछे गया था, तो हम तो मतलब कुछ दिनों के लिए मतलब ऐसे ट्रांस में कि टॉप ऑफ अरे द वाह स्काई, टॉप ऑफ द मतलब स्काई बिल्कुल, तो वो हम एक दूसरे को फोन करते रहते थे और मिलते रहते थे, मतलब हमारी लाइफ में, और तब प्रमोशंस भी तब शायद चल रहे थे, जी। नहीं, प्रमोशंस नहीं चल रहे थे, नेशनल अवार्ड के जी बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है और जो इंटरव्यूज हाँ होते हैं रेडियो स्टेशन में वगैरह और लोकल न्यूज चैनल में वगैरह, तो वो सब था, तो भागा दौड़ी भी इतनी थी कि पता ही नहीं चला कि मतलब तब से लेके, प्रमोशन से लेके जब तक हम नेशनल अवार्ड रिसीव करने गए, वी वर लाइक ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, कंटिन्यूस एक कुछ ना कुछ चल रहा है और मतलब ऐसे वो हम चीज ना एक देखा लाइक सर्कल में, कंफ्यूज, वो जो पीरियड था लाइक 2019 एंड, ठीक है, मैं गलत नहीं हूं राइट, तो मैंने वो सारे आपके वो इंटरव्यूज वो सारी चीज देखी मतलब आप लोगों का, और उसमें एक अच्छी चीज देखी थी कि लाइक ऐसा नहीं था, मैंने उनके लिए मतलब आपके डायरेक्टर का एक इंटरव्यू भी देखा था, तो उन्होंने अभिषेक तो उन्होंने बोला था कि ये एक कोई मेरा रोल नहीं था, इट्स लाइक टीम वर्क, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आप सबको पता था मतलब अंदर से, जिस हिसाब से वो टीम पूरा वेट कर रही थी कि मिल जाएगा, जैसे 12 मेंबर्स बोला था ऑन दैट मतलब एंड वो स्पीच में जो बंदा नॉमिनेट करने आया था, वो जैसे वो बोल ही रहा था, उनको शायद अंदर से वाइब्स आ गई थी कि हमें मिल गया, बट ये गुजराती इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली बहुत प्राइड मोमेंट है ऑनेस्टली, ठीक है, वो क्या हुआ है कि एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, ऐसी मूवीज एक आपको वो दे जाती है कि ये एक बेंचमार्क है आपके लिए, ठीक है, तो उसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस को कभी कंपेयर किया भी जैसे दूसरी मूवीज में, आपने मतलब फोटोग्राफ में भी काम किया, आपने विट्ठल में भी काम किया, आपने स्कैम में भी काम किया, उसके बाद भी आपके तीन दो तीन प्रोजेक्ट अभी भी रनिंग है, ठीक है, तो कभी आपके पास्ट परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करती रहती हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है समझो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके हिसाब से वो बेंचमार्क सेट हो गया है, पर उसमें मुझे तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही कि अच्छा मैंने इस जगह पे ऐसा किया, ऐसा करती तो अच्छा होता, क्योंकि लाइफ में ना और बेटर होता कि जी। हाँ, विद टाइम हम मच्योर होते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा आता है, और काम करते करते चीजें, क्योंकि सिनेमा बहुत टेक्निकल है, तो और वो मेरी फर्स्ट मूवी थी एज सच, आई मीन फुल लेंथ फर्स्ट मूवी थी, इससे पहले मैं फोटोग्राफ लीड में रोल, भी, यस हाँ यस हिला यस रहे, इससे यस पहले फोटोग्राफ में यस काम किया था, पर इतना लंबा शेड्यूल है बोल सकूं कि हाँ मैं इसमें हूँ, वैसे हिलारो मेरी फर्स्ट मूवी थी, तो वो होता है ना कि मतलब बहुत ही नई थी सब चीजें, कैमरा एंगल से लेके लेंस से लेके सब कुछ, तो लॉन्ग शॉट लगा है, मिड लगा है, क्लोजअप लगा है, ये सब उतना तब अवेयर नहीं थे इन चीजों से, तो अब जब 3 साल बाद दिया ऐसे देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इस जगह पे मैंने ऐसा किया होता तो सही था, उस जगह पे वैसे और बोला होता, बेटर सोच हाँ, तो वो तो होता ही रहेगा, मतलब किसी भी रोल के वो साथ
लर्निंग इज प्रोसेस, अगर मतलब पूरी लाइफ का एक पार्ट है लर्निंग, तो आप हाँ, और क्योंकि वो कैमरे में ओके है, क्योंकि वो मतलब जी डॉक्यूमेंटेड है, तो आप उसको जब भी देखोगे, जी अभी देखूंगी या 60 साल पे भी देखूंगी, तो मुझे लगेगा कि नहीं, इधर ऐसा करते तो ठीक था। तो ये चीज आपको लगता है कि ये मूवीज लाइक होता क्या है कि मैं आपको एक चीज बोलूँ कि गुजराती इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इससे पहले हम अगर प्रतीक गांधी की बात करें थोड़ी लाइक ऐसा ये तो लोग स्कैम के बाद जानने लगे, लेकिन हम लोग तो उनको बहुत टाइम से जानते हैं राइट। चाहे उनके ड्रामा हो, मतलब कोई प्लेज हो, ठीक है, आप उनका वेंटिलेटर मूवी देखो, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था कि सीरियस कंटेंट नहीं था हमारी इंडस्ट्री के पास, ठीक है। बट अब क्या होता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि अब हमारा जैसे कि एक पीक मोड आना स्टार्ट हुआ है। अब हम हमारी लाइक इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली लोग, जो हमारा क्राउड है, जो यंग पीपल है गुजरात के, वो बहुत अप्रिशिएट कर, क्योंकि आपको पता है कि लाइक हम बात करें बहुत सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, ठीक है, इवन दो इतने सारे बैरियर्स होने के बावजूद अगर इतना अप्रिशिएट किया गया स्कैम 1992 को पूरे इंडिया में, लाइक IMDb रेटिंग्स में भी वो अव्वल था, ठीक है, और आई डोंट थिंक सो इतना इतना कोई वेब सीरीज को अप्रिशिएट किया गया कि लोग बच्चे बच्चे उसके डायलॉग बोल रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर द वन ऑफ द पार्ट। और आपको शायद कितने, आपने कितने बोले, 500 करोड़ के 25%, 25%, सो हाँ उतने पैसे भी आपको मिले हैं, ठीक है। ये सारी चीज करते करते क्या होता है, लाइक एक स्कैम का तो अभी क्या बताए, स्कैम के बारे में तो पूरा लाइक बच्चों को एक डायलॉग तक दिमाग में रख दिए कि मतलब ट्रस्ट के रिगार्डिंग कुछ हो, या हर एक रिस्क इसके तो रिस्क के तो इसके, मतलब बच्चा हाँ बच्चा बोलता है। आज आज किसी को वो चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैन यू बिलीव कि ये स्कैम के बाद, क्योंकि प्रतीक गांधी का क्या हुआ कि उसके बाद सब लोग जानने लगे कि इस गुजराती, हम तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से जानते थे। तो आपको लगता है कि इसका एक मोमेंटम हमारी आने वाली इंडस्ट्री को, वेब सीरीज को, या जो भी मतलब जो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को उसका एडवांटेज होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि नोटिस हुआ कि गुजरात से भी ऐसे अच्छे कलाकार जी आ रहे हैं। अब जी तक क्या था कि गुजराती कम्युनिटी को बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाया गया है। अब सीरियल भी बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, ऐसा नहीं है, पर वो ज्यादातर कॉमिक कंटेंट था, तो एक जी स्टीरियोटिपिकल जी वे में वो लोग दिखाते थे। जी या फिर फिल्मों में जी भी जी जी ऐसे सिर्फ गुजरात के साथ जी नहीं है, हर स्टेट्स के साथ, मतलब हिंदी बेल्ट के अलावा जितने भी स्टेट्स है, अगर आप साउथ इंडिया के भी कोई भी स्टेट्स ले लो, तो उनको जी साउथ इंडियंस को भी जी वैसे ही दिखाते हैं, एक टिपिकल जी अल्ले उल्ले, लाइक वो मतलब उनका टिपिकल लाइक अल्ले स्टेट उल्ले वो, बोलते हाँ हो हाँ जैसे, जी जबकि वो वैसे नहीं है। हाँ, एक्चुअली सिनेरियो ऐसा नहीं है। जी, तो वो लोग तो वैसे, जी, तो अब तक मतलब स्टीरियोटाइप्स हुए हो रखे थे सब कैरेक्टर्स, और ज्यादातर वैसे ही कैरेक्टर्स में गुजराती एक्टर्स या ऐसे लोग दिखाई देते थे। पर अब क्या हुआ कि सीरियस नोट पे ऑब्जर्व करना और सीरियसली लेना शुरू कर दिया इंडस्ट्री ने कि गुजरात से भी अच्छे कलाकार आ रहे हैं या आ सकते हैं, या गुजरात में अच्छे एक्टर्स हैं जो सटलिटी प्ले कर सकते। एंड लाइक मैं ऐसा मानता हूं कि इतना इतनी बड़ी सक्सेस आई डोंट थिंक सो कि किसी को मिली हो, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म, हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें ना, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लोज कर सकते हो विद इन सेकंड। हाँ थिएटर में उसका एक ड्रॉबैक भी, अब वो एक अलग इश्यू है, ठीक है, मैं आई डोंट वांट टू कंपेयर, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, दोनों अलग चीज है, ठीक है, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता। बट अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप ऐसे क्लोज कर सकते हो अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, जी ठीक है। तो वहां पर तो अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल का, बहुत तगड़ा है, तभी लोग अप्रिशिएट करने वाले, क्योंकि
अभी क्या है कि लोग जल्दी बोर भी हो जाते, समझो कि अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो वो दूसरे वेब सीरीज उनके पास होती है, ठीक हाँ है, जंप तो करनी वो चीज चाहिए। में आना, हाँ ठीक है, तो वो चीज पे आना, आई डोंट, वो एक बहुत बड़ा सक्सेस है राइट नाउ, अभी के जो सिनारियो जो चल रहा है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन दैट रिगार्डिंग थिएटर एंड जब ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है बट फिर भी पूछना लाजमी है ये सिनारियो के हिसाब से, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने थिएटर को मतलब टेक ओवर कर लिया, आपको लगता है ये चीज? नहीं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओटीटी ने थिएटर को टेक ओवर कर लिया है या रिप्लेस कर लिया है, क्योंकि फिलहाल की सर्कमस्टेंसेस ऐसी जो है कि कंडीशन, थिएटर अलाउ जी जी नहीं कर सकते गवर्नमेंट। जी जी कुछ जी मतलब लोगों को इकट्ठा हो कर सक करें जी ऐसी कोई भी एक्टिविटीज अलाउ नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो और हुआ क्या कि उसी दौरान अब लोग घर में हैं, थिएटर्स में जा नहीं जी सकते। वैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मतलब मल्टीप्लेक्सेस को भी ओटीटी क्या रिप्लेस कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। मल्टीप्लेक्स बंद है, थिएटर आई मीन प्ले प्रोसीनियम्स बंद है, जी तो उनके पीछे का रीजन जी है कोविड सिचुएशन। जी 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 और जी वही सेम सिचुएशन ओटीटी प्लेटफॉर्म के पॉपुलर होने का भी रीजन है, क्योंकि लोग घर पे हैं तो उनको एक्सेसिबल एक ही मीडियम है ओटीटी। सब्सक्रिप्शन ले लिया, वेब सीरीज देख ली, मूवीज देख ली, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा सकते, तो इनके बीच में सच में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता और कोई भी किसी को रिप्लेस कर नहीं सकता। पर फिलहाल सिचुएशन वैसी है कि थिएटर्स में नहीं जा सकते हम लोग, इसीलिए ओटीटीज। और ये भी अच्छा है कि जी ओटीटीज को इतना पॉपुलैरिटी मिल गया है, लोग इतना उसको वेलकम कर रहे हैं, तो आगे जाके भी ऐसा नहीं होगा कि थिएटर्स या मल्टीप्लेक्सेस खुल गए तो ओटीटी का कोई ऑडियंस कम हो जाएगी, क्योंकि तो हर एक का अपना स्थान है और एज ऑडियंस अपना हाँ उसको देखने का मजा अलग है। आप ओटीटी घर पे बैठ के देख सकते हो, जबकि मल्टीप्लेक्स में जाके इतने सारे लोगों के साथ कोई बिग हिट मूवी देखने का मजा अलग है। और वैसे ही ब्लैक बॉक्स में जाके किसी प्ले को देखना, जी एक्टर को जी अपने सामने परफॉर्म करके करते हुए देखना, वो तो अलग ही चीज है, वो वो तो अलग ही चीज है, वो अलग ही मजा। चीज हाँ है, ठीक है। आज भी ऐसा नहीं है कि हम खुद भी है, इवन आप भी मैं भी हम लोग भी थिएटर को मिस करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसे होते हैं जो शायद मोबाइल में देखना थोड़ा ऐसा लगता है कि यार इसके साथ ना इंसाफी है। हाँ आज भी कुछ कंटेंट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये चीज मैंने थिएटर में देखी होती तो और मजा आता है। अगर स्कैम अगर एक्चुअली थिएटर में आया होता तो सोचिए कि कितनी बड़ी लाइनें लगती सही है, आपको, लाइक मिल ये जाता कि लाइक ये मतलब ये हाउसफुल हो गया, मतलब जो विंडोज में जो टिकट विंडोज है वो हाउसफुल है, शायद आपको वो सिनेरियो देखने मिल जाता अगर हम सही है। वैसे वर्षा सिचुएशन को देखें तो, ठीक है। अभी आपका एक रोल था हेलारो में, ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में ये चीज मेरे हिसाब से बहुत रेयर बची है, आई थिंक, तो मतलब बहुत कम जगह पर शायद ये सीन बचा होगा कि जहां पर एक फीमेल को या एक लड़की की जो मतलब एक जो कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, कि आपने हम पूरी मूवीज में वो चीज देखी कि वीडियो होने के बाद, ठीक है, उसको जो चीज बैर करनी पड़ती है। अगर हम इंडिया वाइज इंडिया में ये चीज के बारे में बात करें, जैसे आज भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे, आज भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां पर आफ्टर ये अगर ऐसा कुछ होता है, उनके हस्बैंड की डेथ होती है, तो काम करना अलाउ नहीं, इवन आप घर के बाहर नहीं जा सकते। तो जब आप ये रोल कर रहे थे तो आपके दिमाग में तो चलो ये चीज थी, लेकिन उसके बाद जब आपने ऑन स्क्रीन देखा तो आपको लगता है कि ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट कर सकता है। जी बिल्कुल, मतलब उस पर्टिकुलर मूवी में जो स्टोरी है वो उतनी, सिर्फ मेरा किरदार नहीं, मतलब जो और बाकी सारी औरतें हैं वो सारी की सारी रिलेटेबल है। हर तो कोई जी जी हाँ, हर कोई उतना ही रिलेटेबल है। तो ना ही मतलब मूवी बन जाने के बाद जब मैंने स्क्रीन पे देखा, सिर्फ तब नहीं पर जब हमने फर्स्ट टाइम जब स्टोरी सुनी
तभी हमको उतना हिट कर गई थी कि अरे ये मतलब आज की तारीख में भी कितना रिलेटेबल है, भले ये 1975 की बात है और किसी रिमोट एरिया की बात है, पर आज की तारीख में भी माइन्यूट लेवल पे ऐसे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ही, और बहुत सारी जगहों पे तो मतलब ट्रेडिशनली ही चले आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल चले आ रहे विडो हो जाने के बाद हैं। उनको आश्रम में छोड़ के आना या फिर बाकी लोगों के साथ मिलने जुलने ना देना, कुछ रंग पहनने से रिस्ट्रिक्शंस, ये सब तो जी, आप लाइक मतलब हाँ व्हाइट ब्लैक ऐसा कुछ उनका सिंपल कलर पहन कर ही आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। आप कलरफुल साड़ी या कलरफुल ड्रेस ऐसा कुछ चीज नहीं पहन सकते, ना ज्वेलरी पहन सकते हो, जी, ठीक है। वो तो आज तो भी है। हाँ, तो ये तो लगा ही था, मतलब वेरी फर्स्ट नरेशन से ही हमको लगा था कि ये बहुत ही रियल है और बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी है। जी, तो इसके रिगार्डिंग एक थोड़ा एक और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक वर्ड है फेमिनिज्म, ठीक है। मैं अपना थोड़ा बदलू कि मैं उसको इंटरप्रेट ऐसा करता हूँ कि आपको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा मानता हूँ फ्रॉम माय साइड, ठीक है, कि आप कभी ये मैन एंड वुमेन कंपेरिजन ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो वो चीज आपको इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप इक्वलाइज ही मत करो, क्योंकि आप इक्वलाइज करोगे तो आप मेल फीमेल ढूंढोगे एक दूसरे में, ठीक है। जो चीज लाइक वुमेन कर सकती है तो इन मतलब इन जो मेन कैटेगरी वो तो कभी दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती, ठीक है। सो आप फेमिनिज्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं फेमिनिज्म को यहाँ तक ठीक समझती हूँ जहां तक विमेन के इक्वल राइट्स की बात है, पर जहां पे ये बात होती है कि मतलब एक मेल जेंडर को बिल्कुल ही अपोजिट जेंडर या हमारा यस राइवल समझ के उसके साथ यस कंपीट करने की बात होती है, तो मैं उससे यस अग्री नहीं, क्योंकि दोनों के ग्रोथ में दोनों का सपोर्ट उतना ही है। जी, आप उतना ही किसी वर्क होता एनवायरनमेंट में देख लो या फैमिली है। में देख लो, तो जी दोनों ही कंधे से कंधे मिलाकर ही चल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पर जहां पे इक्वल पे स्केल की बात है या ऐसा कुछ बात है, तो वहां पे फीमेल्स के साथ थोड़ी सी ज्यादती होती है कि जी कम उनको आंका जाता है, तो उन सब चीजों पे मैं चाहती हूँ कि जी इक्वल राइट्स के लिए वो मतलब अप्रोच उनको करता है, सेंड सेंड देना चाहिए, अपनी एटलीस्ट आवाज सेंड उठाता देना चाहिए आपको। है। हाँ, यस पर जहां पे ओके एकदम मेल विरुद्ध बात है, पुरुष विरुद्ध जो जी प्रवृत्ति है कि हाँ नहीं ये जी, तो हमारे वो तो हस्बैंड लाइक गलत है, ही है, लड़के हर चीज में गलत हाँ होते हैं जी। हाँ, हाँ कि ये वो बहुत कभी, चल रहा है, वो अभी हाँ वो वो थोड़ा ट्रेंड ज्यादा में है, थोड़ा मैं उसमें देखा है। सपोर्ट नहीं है। ओके ओके आपको थोड़ा स्ट्रेंथ लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन। आप आपने कभी अपने मम्मी पापा से पूछा कि पापा मैं कैसे बेटी हूँ? सॉरी, लाइक आपने अभी कभी अपने मम्मी पापा से पूछा कि मैं कैसी बेटी हूँ, मैं कैसी नहीं बेटी नहीं हूँ? नहीं आपको क्या ऐसा लगता तो है, कभी नहीं पूछा। अभी आपको क्या लगता है क्या आप कैसी बेटी हो? वो ही बता सकेंगे, मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसी जी हूँ बेटी, तो ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा मेरा आंसर करना। आपको कभी मौका मिले तो आप मेरे पेरेंट्स से ही पूछ लीजिए। वांट टू आस्क देम। ओके सो बात करते अभी विट्ठल रेड्डी के बारे क्या सोचा था कि इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी? लाइक एक वेब सीरीज को, लाइक आप देखो एक एक सॉन्ग था महादेव, इंस्टा में तो लाइक कितने मतलब कितने रील्स, आप जब भी स्टार्ट करो आदित्य गढ़वी का वो सॉन्ग एंड जो पूरा एक था, उसके बाद एक रील था, एक बाइनी बैनी एक करके एक सॉन्ग है पूरा, जो ये दो रील जो भाई, और थर्ड था रागी जानी सर और प्रतीक गांधी सर के एक रिकॉर्डिंग एक कॉन्वर्सेशन है कि गांव के लिए आप टीडी हो सकते हो बट मेरे लिए यू आर लाइक एन डायनो डायमंड, मतलब आप एक वन। सो इतना इतना सोचा था कि लाइक लोग इतना प्यार करेंगे आपको,
इवन दो टेलीग्राम इज बिगेस्ट बैरियर नाउ इट इज, आप खुद जानते हो। ठीक है नहीं मतलब ठीक है, कोई भी चलो वो तो है जी। मतलब करते टाइम बहुत ही स्पेशल लगा था कि स्क्रिप्ट जैसे लिखी गई है, स्टोरी का जैसे फ्लो है, तो जी जब हम मुझे फर्स्ट नरेशन मिला, मुझे भार्गव ने ही नरेट किया था, जी तो जी जी वो तब राइटर है मुझे लगा था कि हाँ ये तो मतलब क्लिक, वो क्लिक कर जाता है ना, तो ऐसे क्लिक हो गया था कि ये दिस इज समथिंग आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, इसको तो ये तो मुझे करना लेकिन ही है। वो मैंने अपने एक वीडियो में भी एक चीज मैंने डाली थी। हाँ मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला, मैंने आपको सेंड किया था अपने एक वीडियो। मैंने वो रिव्यू में एक चीज बोली थी कि पर्सनली अगर मुझे अगर पूछा जाए तो ये क्या होता है कि अपनी फैमिली हो या कोई आजू बाजू में आप कोई सीन देख रहे हो, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, बड़ी बहन घर संभालती है, मतलब पूरा एक वो एक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होता है। और मैंने बहुत से बार ऐसे कैरेक्टर्स को भी देखा है कि जहां पर उसकी बड़ी सिस्टर जो भी बोलती है वो मानता है, चाहे पूरे बाहर के आउट आउट वर्ल्ड में वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी बहन ने बोल लिया तो बात खत्म, एंड ऑफ यही सिनारियो है। ठीक है, तो लाइक ये बाहुबली के बाद ये सेकंड सेशन बोल सकते हो कि ये सेकंड पार्ट में क्या आने वाला है। नहीं ये तो मुझे भी पता नहीं है अभी ये अभी स्पैम बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, मैंने एक्चुअली वो वीडियो बनाया था। ठीक है, तो मतलब वीडियो बनाने के बाद बोला कि स्टूडेंट भी पूछे बहुत सारे लोग कि सर आपको इसके बारे में पता है, मतलब तो सेकंड में क्या होने वाला है, कुछ आई थिंक 5 पार्ट है। ठीक है, तो कि सेकंड में क्या होने वाला है। एंड अब तो लाइक उनका जो मेन कैरेक्टर था, ठीक है, सरदार डांगर का जो लाइक बतौर हीरोइन, कि वो तो चली गई, अब कौन आने वाला है। मैंने कहा पूछ लेते हैं, वो आई तो नो कि आप बोलने वाले हो नहीं। तो देखो स्कैम 1992, जहां पर आपके देवर थे, ठीक है, विठल रेड्डी में आपके भाई, अपकमिंग मूवी में आपके पार्टनर है। ठीक है, तो क्या बतौर जो भी लोग ये चीज शायद देखेंगे, चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या कोई भी व्यूअर्स हो, क्या हम लोग मान ले कि अगर आप दोनों है तो मूवी ब्लॉकबस्टर है, क्या हम मतलब स्टैम्प पेपर पर लिख ले ये चीज, अरे बाप रे या तो कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को लाइक अफिक्स कर दो आपका मूवी ब्लॉकबस्टर है। मतलब मैं प्रोड्यूसर को भी बोल देता हूँ, अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए विद प्रॉफिट, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, आप ये दोनों को रख लो, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख लेता हूँ। ये बात आप मुझे मत बताइए, ये बात देखते आप अरे मेरे को बताइए ताकि क्या हो कि ये सब इम्प्लीमेंट हो मतलब वो सब लोग इन दोनों को लेके ही सब मूवीज दोनों को रखो, मैं बनाएंगे बैड बैड लगा सकता हूँ, बट आप देखिए, आप देखिए, देखो स्कैम स्कैम एक अलग लेवल का है, समझो वो एक हाई बजट मूवी था, विट्ठल रेड्डी इतना नहीं था, बट मुझे लगा ना कि ये जो मतलब ये जो चीज, ये जो प्यार मिला, ठीक है, क्योंकि वो एक गुजराती कल्चर है, वो शेयर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ, ये लोकल गैम्बलिंग है। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन नहीं है, हमें खुद को पता है, उनके लिए भी ये टफ टास्क था, क्योंकि ऑलरेडी लोग उनको प्रतीक गांधी कम असद मेहता से ज्यादा जानते। ठीक है, हाँ तो उनका एक एक वो सेट हो चुका था कि उनको देखकर लोगों को स्कैम याद आएगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा मुझे पर्सनली मुझे ऐसा था कि लोग कंपेयर करेंगे, लोग कंपेयर करेंगे लाइक असद मेहता वाले कैरेक्टर को ये विट्ठल रेड्डी, ये टीडी से कंपेयर करेंगे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब लोगों से मतलब बात करते या लोगों से रिव्यू मतलब सोशल मीडिया में देखा, तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा कि वो असद मेहता है, सच बताया था, वो अपने मतलब ही मतलब क्रिएट। जी हाँ ठीक है, तो वो एक अपने ही क्रेज में रहे,
ठीक है। ये सारी चीज में अपन बोल लेते हैं कि ये जो चीज थी वो एक बतौर एक एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक अपना एक सेट कर लिया है, ठीक है, तो लोग आपको तो कंपेयर करने वाले हो, जी ठीक है। तो उसके बाद है, तो अभी आपको लगता है कि अब क्या हो रहा है कि अब जो भी वेब सीरीज बनाएगा उनके लिए आप लोगों ने एक टफ टास्क बना दिया। मतलब ऑडियंस का प्यार जिस हिसाब से मिला है तो नहीं, टफ टास्क जी तो नहीं बना दिया, ऐसी तो बात मैं नहीं बोल सकती, पर आप मैं बोल ये सकता हूँ मुझे कैसे, कि क्योंकि एक कंटेंट ऐसा दिया, समझो तो हाँ कि लोग, हाँ ऑडियंस जी कि ये ऑडियंस जी जितना रिलेट कर सके उतना जी कोई कंटेंट लेके आओ, ऐसा कुछ कंटेंट लेके जी आओ कि ऑडियंस को इतना ही ऑथेंटिक रिलेटेबल लगे, इतना ही लगे, ऑथेंटिक एंटरटेनिंग लगे। ऑथेंटिक भी लगे कि हाँ ये रियल ऑथेंटिक लगे, चीज है, तो इसमें वो लगा कि ऑडियंस का बहुत जी बड़ा पार्ट है, तो जी ऑडियंस को पसंद आए जी क्योंकि इसमें वो सारे फैक्टर्स मतलब जी 100 out of 100 था कि डायरेक्शन से लेके जी स्टोरी से हाँ लेके। तो जी अब नेक्स्ट वेब सीरीज या नेक्स्ट किसी भी कंटेंट के लिए इतना, और ये तो मैं जी समझूंगी ना सिर्फ विट्ठल टीवी से, आगे भी हमने बहुत सारी, ये तो क्योंकि जी गुजराती वेब सीरीज है इसलिए हम जी उससे कंपेयर जी करेंगे, जी पर उसके जी अलावा भी जी हिंदी में भी बहुत सारी वेब सीरीज है, अगर हम कंपेयर करना चाहे तो उसको भी अपना गोल बना रख सकते हैं कि हाँ भाई हमको इस लेवल की जी पॉपुलैरिटी जैसे इस वेब सीरीज को मिली, हमको गुजराती में वैसी वेब सीरीज बनानी है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है ही। सो इतनी स्कैम के बाद, विठल के बाद, और थर्ड प्रोजेक्ट भी आपका उन्हीं के साथ है, सो आप उनके बॉन्डिंग के बारे में कुछ बताएंगे कि आप दोनों का बॉन्डिंग इतना स्पेशल क्यों है, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी? हाँ, किन के साथ? प्रतीक के साथ, प्रतीक सर के साथ जी। प्रतीक के साथ ये विट्ठल तीरी मेरा फोर्थ प्रोजेक्ट था, जी और जिस जी तरह का वो इंसान है तो मैं बोलूंगी कि अगर ये जी फर्स्ट प्रोजेक्ट भी होता तो भी इतना ही अच्छा जी चीजें निकल के आती, बिकॉज ही इज दैट वेलकमिंग एंड दैट वार्म एंड दैट कोऑपरेटिव। वो जब हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट भी साथ में किया था तब तो हमारा मतलब काफी कुछ सीन्स उतने हमारे साथ में थे ही नहीं, पर सेकंड प्रोजेक्ट हमारा था हाँ सेकंड प्रोजेक्ट एक फीचर फिल्म है जो अभी तक आई नहीं है, जी उसमें मैं और प्रतीक हस्बैंड वाइफ है, जी 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 और जी हमारा थर्ड प्रोजेक्ट जी है स्कैम और फोर्थ है जी विट्ठल तीरी। ओके हाँ तो सेकंड प्रोजेक्ट ऐसे तो वो फर्स्ट प्रोजेक्ट ही था हमारे लिए, क्योंकि जो फर्स्ट था उसमें तो कुछ हमारा काम साथ में था ही नहीं, मेरे ही कुछ एक दो सीन ही थे पूरे प्रोजेक्ट में, पर जब ये फिल्म हमने साथ में की तो तब से एक अलग लेवल की बॉन्डिंग बन गई कि एक कंफर्ट जोन आ जाता है किसी के साथ एक दफा काम करते, पर प्रतीक के साथ तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही उतना कंफर्टेबल हो चुके थे हम दोनों एक दूसरे के साथ, बिकॉज ही इज दैट वेलकमिंग कि हाँ अच्छा आप बताओ कि इधर क्या करना है कैसे करना है। तो थिएटर में जैसे एक्टर्स किसी पर्टिकुलर सीन को वर्कआउट करते हैं, वैसे हमने उस प्रोजेक्ट में हर एक सीन को वर्कआउट किया था, और बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही मजाकिया है, तो ही वुड क्रैक जोक्स और मजाक मस्ती भी चल रही है, तो माहौल भी वो लाइट बना के रखते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं मतलब वर्कलोड फील ही नहीं होता उनके साथ काम करने में। तो फोर्थ और प्रोजेक्ट आपको 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 मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बात करते कि अब प्रतीक गांधी शायद गुजराती इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि तो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर लिया है, और जी शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, बट मुझे कहीं नजर नहीं आया आज तक, क्योंकि जो भी क्या होता है, आप बॉडी लैंग्वेज से तो जान लेते हो, मुझे इतना पता है, नहीं मतलब पूरा नहीं नहीं he is बट पता चल जाता है, genuine लाइक yeah. वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान, आज भी मतलब उनको कभी वो चीज सक्सेस कभी सर नहीं चढ़ी, ठीक है। मैं अगर एक ब्लॉग लिखूंगा तो यहाँ पे डेफिनेटली लिखूंगा कि अगर प्रोड्यूसर को अपने पैसे रिटर्न में वापस चाहिए, लाइक
का अगर 300% बनाना है, इन दोनों को साथ में ले लो। रेखा द्विवेदी मैम की एक स्पेशलिटी ये है कि जिन जिन मूवी में वो होती है, पैसे बहुत होते हैं। ये सच में बता दो यार, तुम सब मेकर्स को बता दो, ये किसी में नहीं है, ये सीक्रेट, ये ताला किसी ने इसकी चाबी नहीं खोजी कि ये सीक्रेट कहाँ से मिली, इधर रह ये चाबी, इसको आजमाओ, बहुत सारा प्रॉफिट अच्छा होगा। फिर तो मैं क्या करूंगी, मैं मतलब लिमिट नहीं लूंगी, मैं मूवी में ही अपना इन्वेस्ट कर दूंगी, उतना प्रॉफिट मुझे भी होगा, परसेंटेज में वसूल करूंगी। आपको बहुत दूर दूर तक घूमने आना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही। उन लोगों को क्या होगा, जनरली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, नाउ डेज बहुत रिस्की है, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, थिएटर हो, ऑडियंस को वो चीज करवाना बहुत रिस्की है, ठीक है। तो उनके अच्छे के लिए ना, कि वो लोग अगर आप दोनों को अप्रोच करते हैं तो वो सेफ साइड है। हाँ, ये सही है। मैं मैम कुछ नाम लूंगा आपको, उनके बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताना, ठीक है। हंसल मेहता, सिनेमेटिक मैजिशियन, ओके, ही वुड टेक एनी रैंडम स्टोरी एंड मेक इट अ चंक ऑफ लाइफ, तो एनसाइक्लोपीडिया, वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, लाइफ, या यस, वो तो उन्होंने तो वो काम तो बखूबी। अभिषेक जैन, अभिषेक जैन, आई वुड से फ्लैम्बॉयंट एंड ही इज एक्सट्रीमली क्विक एट हिज डिसीजंस, और He would figure it out before making a mistake. क्या बात, वो मतलब वो उतने स्मार्ट और वाइज है जी कि वो जी जी मिस्टेक करने से पहले ही उसको फिगर आउट कर लेंगे, करिज्मेटिक, और यहाँ पर उनका, मिस्टेक हो सकती है ऐसा, हाँ, और ऑडियंस के जी इमोशंस पे उनका पूरा कंट्रोल है, तो एक सीन में अगर आप उनका मतलब कंटेंट देखते हुए आप हंसी से खुशी से नाच रहे हो, तो दूसरे ही पल वो आपको रुला देंगे। वो आपको रुला सकते हैं, अभिषेक जैन इज वो लाइक, क्वालिटी नहीं है। हाँ, अभिषेक शाह, अभिषेक शाह, आई वुड से प्रोडिजी, परफेक्शनिस्ट, ही इज अ जगलर विदाउट इवन नोइंग इट, इज अ जगलर ऑफ हिज ड्यूटीज विदाउट इवन नोइंग इट, मतलब राइटिंग है, ओके, डायरेक्शन है, एडिटिंग है, तो क्योंकि वो थिएटर से बिलोंग करते हैं तो वो पूरी मूवी को मतलब प्री वो चीज प्रोडक्शन से को, लेकर छोटी छोटी चीज फाइनल को प्रोडक्ट जानते तक हैं। उनको, हाँ, उनका विजन उतना पहुंचा हुआ है कि उनको पता है, तो रिसर्च से लेके प्री प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग, ही वुड एम फॉर परफेक्शन, ही वुड एम फॉर डिटेल्स, तो या दैट्स इट। डांगर, श्रद्धा डांगर इज अ डार्लिंग, श्रद्धा डांगर मतलब आप हमारा उनको फर्स्ट शुगर बुलाती इंपेक्शन, हो, आप उनको शुगर बुलाती हो, शुगर, आप शुगर, उनको शुगर बोला या नहीं, क्यों, मैंने कई साथ कमेंट में रीड किया था। हाँ, मतलब वो तो कमेंट में शायद, पर इन जनरल तो मैं उनको बहुत ही मतलब गुजराती जो वर्ड्स होते हैं, जो अच्छा प्यार दिखाने के तरीके होते हैं, बकुड़ी चकुड़ी, वही सब हम भी डालते हैं, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज, तो चकू बकू दिकू यही सब आता है उसके लिए। वो हाँ हमारा गुजराती हाँ तो वो जो गुजराती लिंगो है, एक प्यार मेक जताने का है। तरीका, तो वही यूज होते हैं, पर श्रद्धा डांगर इज वेरी डियर टू मी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट,
वेरी प्योर हार्टेड पर्सन और बहुत ही इनोसेंस उसमें मतलब भर भर के है, वो लड़की उतनी इनोसेंट है क्या बात एंड वेरी फाइन एक्ट्रेस, वेरी हार्ड वर्किंग. है। वो मैंने वो एक ये जो आप सारे इंटरव्यू मैंने नाम देखा बोल था। रहे हो, पहले मैं आपको, ये जो आप सारे नाम बोल रहे हो वो लोग मतलब जैसे आपने सब डायरेक्टर्स के नाम बोले तो मैं एक बात बता दूं कि काफी सारी चीजें उनमें सिमिलर है क्योंकि वो एक लेवल पे पहुंची हुई पर्सनालिटीज है. तो हार्ड वर्क हो गया या फिर उनका विजन हो गया, तो ये सब तो सब में कॉमन है, ये मैं कहना चाहूंगी. तो ये सब कॉमन और चीज है एक जो उससे हट. वो बारीकियों को बहुत बखूबी जानते हैं, मतलब छोटी छोटी जो हाँ टेक्निकलिटीज जो होती है, हाँ ठीक हाँ है। लेकिन उन्होंने शायद वो इतनी नजदीक से देखा है सिनेमा को, हाँ ठीक है। अभी आदित्य गढ़वी, अभी उनकी तो क्या बात करें। हाँ इसके लिए मैं गुजराती टर्म यूज करूंगी, आदित्य यस गढ़वी यस यस एटले हावाजनी डणक. जो लोग नहीं जानते, हाउ इज लाइक लायन, समझो शेर, हाँ, शेर लाइक यस। रोरिंग शेर, रोरिंग लायन. वो एक जादू है उनकी आवाज में। मैं आपको बोलूँ ना कि एक है कि वो आप उनसे नहीं बोलते, अगर जैसे प्रतीक गांधी एंड बिंदा त्रिवेदी इज परफेक्ट कॉम्बो, ठीक है, इन एक्टर और वो वर्ड में। तो अगर म्यूजिक में आदित्य गढ़वी, ठीक है। अब आदित्य गढ़वी से एक सॉन्ग, वो एक बार गाओ, बात खत्म है। बात वो खत्म. एक एक है, उनका एक अलग मैजिक है, उनका एक अलग और है जब वो गाते हैं, उनके वर्ड्स होते हैं। शायद उनकी बॉडी को देखकर हमें नहीं लगेगा, लेकिन जब वो गाना स्टार्ट करते हैं, तो लाइक हाँ आपने सदगुरु के ईशा फाउंडेशन के जो भी प्रोग्राम्स देखे हो, कुछ भी देखो, हाँ वो एक अलग लेवल के इंसान है, ठीक है। तो सही. ये लोगों के साथ आप जब काम करते हो, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मतलब कुछ चीज ऐसी होती है ना, लाइक जो फॉर अ लाइफ एक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, विट्ठल टीडी में, कि कोई ऐसा इंसिडेंट मतलब शूट करते करते, या ऐसा कोई चीज जो आपको आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खासी मेमोरी है, कैसा इंसिडेंट। ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट तो नहीं है, पर मतलब सीरीज ऑफ मेमोरीज होती है. पर एक तो उधर हम ऐसे एरिया में काम कर रहे थे जहां पे बहुत सारे मतलब वो पूरा एरिया ही शेरों का है, तो हाँ, कहीं शेर देखने को मिल जाता गिर था पूरा तो सूट वो जाता मतलब वो मोमेंट याद रह जाती थी कि हाँ इधर शूट चल रहा था और हमने शेर को देख लिया या शेरनी को देख लिया. तो स्पॉटिंग दोज एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स अराउंड अस, वो बहुत ही एक्साइटिंग था हमारे लिए. आपको। डर लगता डर था, आपको डर लगता था। नहीं, मतलब मुझे ऐसे डर नहीं लगता कि अरे शेर आ जाएगा या, पर ऐसे कभी फेस टू फेस हुए भी नहीं ना कि डरने का मौका मिला. ओके क्योंकि ओके मैं फर्स्ट टाइम मैं गिर रीजन में गई थी, मैं बहुत पहले जा चुकी हूँ. 2013 में अकु पार जब हमने किया था तो उसके रिसर्च वर्क के लिए भी हम गिर गए थे और तब हम जी खास यही देखने और यही सीखने गए थे कि वहां के लोग शेरों के साथ ऐसे कैसे कैसे डील तालमेल करते करते हो। होंगे. हाँ मालदीव मालदारी कम्युनिटी है उनकी, मालदीव उनके लिए तो मतलब कम्युनिटी, रोज का है हाँ उनके उनके लिए लिए, शायद रोज रोज का का है. है। जैसे हाँ, हमारे यहाँ कुत्ते ठीक है, कुत्ते घूमते हैं वैसे उधर शेर गाया घूमते गाय मतलब। हाँ, हैं. हाँ तो मतलब गौ माता जैसे आ जाती है, वो कॉमन है उनके हाँ, लिए। तो उनकी क्या मेंटेलिटी है, वो लोग कैसे शेर के साथ मतलब कब जान लेना कि वो अभी हमला करने वाला है या कौन सा पीरियड ऐसा है कि उसको नहीं सताना है या कब वो रिलैक्स है. तो ये सारी चीजें हम लोग उधर बहुत सारे लोगों से मिले थे हम और बात की थी और तब एक बात जानने में आई थी कि लायन इज अ रॉयल एनिमल, तो सामने कभी भी किसी भी इंसान पे हमला नहीं करेगा.
अनलेस एंड जब तक अंटिल आप आप कुछ उसको ना छेड़ो। हाँ, छेड़ो नहीं मतलब। लायन कभी जैसे मतलब लेपर्ड के जैसे वो कभी पीछे से वार नहीं करेगा इंसानों पे। वो ज्यादा से ज्यादा जंगल के एनिमल्स को ही मारेगा, वो मार देते इंसान को नहीं मारेगा बिकॉज वो कभी। उनका फूड है, वो उनका फूड है। हाँ, और वो रॉयल एनिमल है, वो अपनी लिमिट और अपना ग्रेस एक रखता है कि तो वो कभी हमला नहीं करता। अगर आप उसको छेड़ो, अगर आप उसके एरिया में, उसकी टेरिटरी में एंटर करो और उसको ऐसा कुछ लगे कि अभी ये मतलब तभी वो आपको हमला करेगा या कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो ये तो हम नहीं करते। तो इतना तो श्योर मैडम होते ही है कि हाँ जी, हाँ वो तो जब तक हाँ ये हम कुछ कुछ नहीं करेंगे वो करेगा। कुछ नहीं करने वाले। ओके हाँ, वो तो कुछ नहीं मैम करने वाला। आपको आपको चलो ये तो ठीक है, लेकिन आपको किससे डर लगता है? ये एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन योर लाइफ की यार दिस इज माय बिगेस्ट थ्रेट, या जो बोलते कि ये मेरा लाइफ का एक डर बोल सकते हो, मैम आपका डर कौन सा है? मेरा डर मतलब किसी भी चीज का डर, किसी भी चीज का, वो छिपकली बिपकली मत बोल लेना ऐसा कुछ, ठीक है? मैं रियल लाइफ थ्रेट की बात कर रहा हूँ कि आपको उस चीज से डर लगता हो। सच फोबिया बोले तो मुझे हाइट का फोबिया है, मतलब मुझे ऊंचाई से देखने में डर लगता है। हाँ तो फिर आप ट्रैकिंग बहुत पसंद करती होती थी। ट्रैकिंग में क्या होता है, ट्रैकिंग जैसी चीजें नहीं, वो तो मैं पसंद करती हूँ, एडवेंट वैसे पसंद है, जी पर जैसे कि जी मतलब किसी हाई राइज बिल्डिंग में चले गए तो जी वहां फिर बालकनी में नीचे खड़े देखने, होकर नीचे देखना। फिर नीचे हाँ, तो आई ये कैन मुझे कनेक्ट, बहुत अलग। योर फोबियो बिकॉज मेरा सेम है। हाँ, तो वो मुझे डर लगता है। ट्रैकिंग तो में तो क्या इतना सारा मैं लैंड होती है जी हम। लेकिन जहां पर मैम शॉर्ट जगह होती है ना, मतलब ऐसे चढ़ने की, हाँ, मैं रिसेंटली एक ट्रैक पे गया था, तो बहुत ऐसी ऐसी इतनी सी जगह थी मतलब चलने के लिए, तो ऑन दैट टाइम एक बार दिमाग में आता दैट वाज माय, मतलब ऐसा लगा कि दिस इज माय लास्ट है, बात खत्म, मुझे इतना डर लगता है। सो ये चीज है। अब थोड़ा बहुत आपके बारे में जानते, थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैम, आपका फेवरेट फूड क्या? फेवरेट फूड पानी पूरी। मैम कभी भी पालमपुर आना है, मतलब इस साइड आना हो तो पालमपुर में माना, एक मनीलाल पानीपुरी करके एक है, ठीक है? मैं अहमदाबाद में भी रहा हूँ, सो आई कैन से कि वो अब तक की मेरी बेस्ट पानीपुरी है पालमपुर की, अच्छा, फिर तो मैं पानी एंड पूरी बहुत खा फेमस के है। चली। आपका फेवरेट हिंदी मूवी कौन सा है? फेवरेट हिंदी मूवीज तो बहुत सारे हैं, पर मतलब कोई ऐसी मूवी जो मुझे इंस्पायर करती हो कि मुझे ऐसा रोल करना है या ऐसी मूवी में काम करना है, तो वो आई वुड से गाइड। गाइड मेरी फेवरेट मूवी है, आनंद है, गाइड है। फेवरेट एक्टर इन मेल हिंदी में? हिंदी में फेवरेट एक्टर मेल ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर रणबीर कपूर पसंद है, रणदीप हुडा पसंद है मुझे, उनकी एक्टिंग पसंद है। फिर प्रतीक बब्बर, प्रतीक आमिर बब्बर खान। जी, आमिर खान, हाँ वो तो आपका एक अलग ही अटैचमेंट होगा सर, लगान की वजह से मे भी हाँ, वो तो है, पर ऐसे मुझे आमिर खान पसंद है, राजेश आमिर खन्ना नहीं एक्टिंग पसंद। एक्टिंग जी। इन फीमेल फीमेल में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। अब ये हो जाता है ना कि इस दौर की या सिलेक्टिव पुराने थोड़ा दौर की, तो हाँ उस बहुत दौर ही, के, पर वही तो मैं। आप दो तीन नाम ले सकते हो, क्योंकि आप लाइफ टाइम तो नहीं बोल सकते, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक ही है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? क्योंकि टाइम वाइज अलग हो सकते हैं, तो आप दो तीन नाम दे, दो नाम दे सकते हो, दो तीन नाम दे तो सकते वहीदा रहमान जी है, विद्या बालन है, कंगना जी। रनौत है, फिर हाँ
एंड गुजराती में पाटिल, मेले, सॉरी गीता पाटिल, दीपिका पादुकर, सॉरी फिर पढ़े 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 पढ़े, ओके स्मिता पाटिल। गीता पाटिल, ओके एंड गुजराती में फेवरेट एक्टर इन मेल, ये आपके लिए बहुत टफ टास्क हो सकता है मे बी नहीं इन बहुत विशन टफ है, सिनेरियो, सबसे बहुत पहले ही आई नो दैट, ऑब्वियस आई नो दैट, वो ये इसका आंसर मुझे पहले से पता था। है। हाँ ये आपको पूछना ही नहीं चाहिए था, आपको बता देना चाहिए था कि गुजराती में आपके फेवरेट प्रतीक गांधी है, मैं बोल देती हाँ। इन फीमेल फीमेल में गुजराती में हाँ गुजराती में केतकी दवे, इतकी दवे, ओके फेवरेट हिंदी सॉन्ग, सॉन्ग्स पुराने सॉन्ग्स टाइम का, फेवरेट्स, पुराने टाइम का एंड रिसेंट का अभी का पुराने हिंदी में, टाइम का तो फिर वही रात है घर मूवी का एक सॉन्ग है, और रीसेंट टाइम में बहुत सारे होते हैं पर मनमर्जियां, लुटेरा का जो सॉन्ग है मनमर्जियां। लुटेरा। ज्यादातर क्या होता है मैं जब भी किसी से बात करता हूँ इसके रिगार्डिंग, ये सबसे थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है, ये थोड़ा बहुत मूड वाइज होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जिस हिसाब से मूड हो ठीक है उस हिसाब से हम सुनना पसंद करते हैं, बट कुछ चीज ऐसे जैसे मैं आपने बताया कि कुछ सॉन्ग होते हैं तो आपके लिए ऐसा होता है कि आप कभी भी सुन सकते हो हाँ, ठीक है। फेवरेट सिंगर इन हिंदी, फेवरेट सिंगर इन हिंदी सोनू निगम, अगेन क्या बात है, बहुत सारे हैं, सोनू निगम है, शान है, रफी है, हाँ गुजराती 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 में फेवरेट सिंगर मेल में आदित्य गढ़वी और फीमेल में भूमि त्रिवेदी। त्रिवेदी, ओके वो आपका उनके साथ बॉन्डिंग कैसा है, ये क्वेश्चन ऐड नहीं था मैं ऐड कर रहा हूँ भूमि के साथ, जी। अच्छा भूमि इज अ वेरी डियर फ्रेंड, मतलब वो बहुत ही बिजी रहती है पर शी इज जस्ट अ कॉल अवे, मतलब हम लोग कभी भी हैंग आउट, हमारे सारे प्लान्स अनप्लान्ड होते हैं, कभी भी हैंग आउट कर लेते हैं, कभी भी पार्टी पे मिल लेते हैं, कभी भी घर पहुंच जाते हैं, जी और बड़ी है, बड़ी मेरी हम दोनों को पार्टीज करना बहुत ही पसंद है अच्छा पानीपुरी, उसमें पानीपुरी पानी पूरी होती है, पानीपुरी होती है उसमें, होती है, और हम लोगों को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, तो हम लोग साउथ इंडियन आउटलेट्स पे जाके कुछ न कुछ खाते ओके मैम हैं। आप चाय को कैसे डिफाइन करती हो, चाय किसको, चाय को, चाय चाय, हाँ 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 चाय चाय चाय, चाय यस तो हम करेंगे, चाय बिना तो सुबह नहीं हो सकती, ओके मैं तो काठियावाड़ में हूँ तो मतलब पानी से भी ज्यादा हम लोग चाय पीते हैं। ओके ये क्वेश्चन मतलब मेरा ये बोलते हैं ना ये मतलब ये फिक्स क्वेश्चन है ठीक ओ है, अच्छा, और जो लोग ऐसा जो हाँ मेरा ये फिक्स है इंटरव्यू में, और जो लोग ऐसा बोले कि नहीं पसंद या मैं चाय नहीं पीती या नहीं पीता तो आई वॉज लाइक दिस इज नॉट फेयर। नहीं सो मैम कैन वी टॉक अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मेरी एक मूवी जैसा कि मैंने बताया प्रतीक गांधी के साथ आ रही है, इट्स अ गुजराती फीचर फिल्म, और नितिन गावड़े सर ने उसको डायरेक्ट किया है, और वो मतलब अभी तक उसका प्रमोशंस वगैरह शुरू हो जाना चाहिए था पर शायद ये पेंडेमिक की वजह से सब कुछ डिले चल रहा है, वरना तो वो लोग प्लान कर रहे थे कि बाय द एंड ऑफ लास्ट मंथ इटसेल्फ पोस्टर रिलीज वगैरह वो लोग प्लान कर रहे थे, पर आई गेस थोड़ा डिले चल रहा है।
उसके अलावा मेरी एक हिंदी मूवी आ रही है मासूम सवाल करके, हाँ, मासूम जो सवाल हमने वृंदावन में शूट की थी, जी वो जी ड्यूरिंग जी जी पेंडेमिक ही हमने शूट की थी। जो फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था और नवंबर में शायद सब कुछ थोड़ा रिलैक्स था, तो तभी हमने वो जी मूवी जी शूट जी करी थी। और जी वो शायद आई गेस इट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन, तो अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में है जी और रिलीज कब होगी जी वो अभी आइडिया जी नहीं। उसके अलावा मेरी एक हिंदी वेब सीरीज भी जी आ रही है, क्या बात, तो फिर आप नाम डिक्लेयर कर सकते हो अभी अगर डिसाइडेड है तो? अगर नहीं, नाम कॉन्ट्रैक्चुअल तो ऑब्लिगेशन है तो यस, मैं भी आप नहीं कर सकते। अभी नहीं डिक्लेयर कर सकते। ओके ओके, सो बताइए मेरे बाद ये छोटी बहुत बात करके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आया। और खासकर जो आपने एक बात बताई कि सारे मेकर्स को आप बता देंगे, तो आप तो मुझे बहुत ही करवाने डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ ना, ऐसा ही है ये वीडियो के बाद, ये मतलब ये अभी यूट्यूब पे भी आएगा हमारा जो पूरा कॉन्वर्सेशन है, उसके बाद मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? उसमें मैं मेंशन करूंगा, हो सकता है कोई देख ले उनके हाँ सही, उनके अच्छे के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके अच्छे के लिए। अरे उनका अच्छा है ना, बाप उनके अच्छे उनके अच्छे के लिए, ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात बोली। अभी तो आप करिए, मुझे टैग करिए, प्रतीक को टैग करिए, और हम उसको शेयर ओके करेंगे सब जगह। सो थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात इट करके बहुत वाज अच्छा माय लगा। ओके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई होप आप बहुत जल्द हमें बुलाओगे कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, हम आपको फिर से तंग करेंगे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ही। सो मच, चलिए ओके बाय, टेक केयर, बाय। बाय मैम, बाय।